गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको डीजल इंजेक्टर के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे इंजेक्टर क्या कार्य करता है, इंजेक्टर में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं तथा इंजेक्टर की क्या कार्य विधि है एवं इंजेक्टर का टेस्ट और एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंजेक्टर का कार्य। इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्शन पंप से आए हुए प्रेशराइज्ड फ्यूल को सिलेंडर के अंदर कम्बशन चैम्बर में राइट टाइम पर तथा ठीक मात्रा में स्प्रे करता है ताकि जो गर्म हवा है वो डीजल के साथ अच्छी प्रकार घुल मिल जाए और इंजन को सही समय पर पावर मिल सके। इसको इंजेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वह एक इंजेक्शन की भांति होता है जो लगभग 180 से 210 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। चलिए देखते हैं इंजेक्टर के पार्ट्स। इंजेक्टर के कुछ पार्ट्स हैं। पहला, ये इंजेक्टर की बॉडी है और ये आप देख रहे हैं यह है फ्यूल इनलेट। यहां से फ्यूल जो है इस इंजेक्टर में प्रवेश करता है और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यह है लीक ऑफ कनेक्शन। लीक ऑफ कनेक्शन का मतलब होता है कि जब इस इंजेक्टर में एक्सेस फ्यूल हो जाता है तो वो फ्यूल जो है इस रास्ते से बाहर यानी फ्यूल टैंक में पहुंचाया जाता है। यहां पर एक बेंजो होल्ड लगा हुआ है और एक वाशर आपको दिखाई दे रही है। इस बेंजो होल्ड में ये जो होल होता है और इसी के थ्रू जो है पाइपलाइन से फ्यूल आपका फ्यूल टैंक में भेजा जाता है। ये दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं एडजस्टिंग सिम, यानी ये सिम यानी वाशर ये इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए लगाई जाती है। उसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा पार्ट से है स्प्रिंग। यह स्प्रिंग इस सिस्टम के अंदर जो है प्रेशर बनाए रखता है। उसके बाद देख रहे हैं आप नेक्स्ट पार्ट, यह है नीडल वाल्व रॉड। नीडल वाल्व रॉड यानी ये स्प्रिंग जो है इसी के ऊपर बैठा जाता है। और नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है एडॉप्टर प्लेट। एडॉप्टर प्लेट इसमें ये तीन होल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जो ये वाला होल है ये डीजल इनलेट के लिए होता है, यानी इसी होल से डीजल इसमें प्रवेश करता है। और ये जो दो होल है ये होल जो है डबल पिन के लिए होते हैं ताकि इसमें डबल पिन आराम से बैठ सके। और नेक्स्ट हमारे जो पार्ट्स हैं ये है नोजल बॉडी। नोजल बॉडी इसमें दो डबल पिन दिखाई गए हैं। डबल पिन का बेसिकली कार्य क्या होता है मैंने आपको इंजन असेंबली में भी बताया था, यानी जब हम सिलेंडर ब्लॉक के साथ सिलेंडर हेड को फिट करते हैं तो बीच में हम गैसकेट का प्रयोग करते हैं ताकि उसमें जो ऑयल होल है वाटर होल है वो आपस में मिसमैच ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं और ये जो डावर पिन है इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डावर पिन क्या करता है, ये जो फ्यूल का होल है जहां से फ्यूल आ रहा है और इसमें जो होल है ये आपस में एक सीध में हो, यानी इधर उधर शिफ्ट ना हो। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये हमारा एक नीडल वाल्व बैठा हुआ है। ये नीडल वाल्व है ये इस नोजल बॉडी के अंदर फिट रहता है और अपनी सीट पर बैठा रहता है। यहां इसकी सीट होती है। जिस नीडल वाल्व को आप यहां देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें यहां पर एक एंगल होता है और ये इसकी टिप होती है। ये जो है यहां पर नोजल बॉडी में अपनी सीट पर बैठा होता है। यहां पर जो नोजल जो होती है उसका जो डाया होता है लगभग वो 0.45 mm के आसपास होता है। और नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं यह है नोजल कैप नट। नोजल कैप नट यानी नोजल को इस नट के द्वारा टाइट कर दिया जाता है। अब देखते हैं इंजेक्टर की वर्किंग, यानी यह सिस्टम कैसे कार्य करता है। इसके लिए हम इधर समझते हैं। ये आपको जो दिखाया गया है कट सेक्शन दिखाया गया है यह हमारा नोजल बॉडी है और इसके अंदर जो है ये नीडल वाल्व बैठा हुआ है। क्या होता है जब फ्यूल इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये आप देखिए इस रास्ते से प्रवेश कर रहा है फ्यूल यानी डीजल, और डीजल जो है इस इधर होते 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 नीडल वाल्व
और जो ये नोजल बॉडी है इसके बीच में हो करके ये फ्यूल जो है धीरे धीरे इधर आता है और ये फ्यूल जो है धीरे 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 पूरा जो है यहाँ भर गया है। अब ये नीडल वाल्व है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्प्रिंग का प्रेशर है, इस स्प्रिंग के प्रेशर के कारण अपनी सीट पर बैठा रहता है, यानी स्प्रिंग उसको बिठा के रखता है, दबाव बना के रखता है उसके ऊपर। अब जब ये फ्यूल प्रेशर के साथ आता है तो प्रेशर के साथ आने से क्या होता है, ये इस वाल्व को ऊपर उठा देता है, ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस मतलब दबती है, दबने से क्या होगा, ये नीडल वाल्व जो उसको ऊपर उठाता है, नीडल वाल्व अपनी सीट से हटता है तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है, उससे क्या होता है यहां पर जो नीडल वाल्व जहां बैठा हुआ था वो उस सीट से हट गया है, और हटने से क्या होगा, यहां से डीजल का स्प्रे शुरू हो जाता है, यानी डीजल कंप्रेस्ड एयर के साथ स्प्रे होना शुरू हो जाता है। और अब इस लाइन में क्या है, अगर एक्स्ट्रा फ्यूल है जो एक्स्ट्रा डीजल, वो क्या है धीरे धीरे यहां से होते हुए वो लीक ऑफ पाइप से वापस टैंक में भेज दिया जाता है, इस प्रकार से यह सिस्टम जो है कार्य करता है। और अब देखते हैं इंजेक्टर की टेस्टिंग तथा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के लिए बेसिकली ये इंजेक्टर में ये एडजस्टिंग सीम दी रहती है। दूसरा, ये जो स्प्रिंग है कभी कभी क्या होता है, इंजेक्टर के लंबे समय से कार्य करने के कारण ये स्प्रिंग जो है अपनी टेंशन को खो बैठता है, जब इसकी टेंशन कम हो जाती है तो ये स्प्रिंग अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में हमें स्प्रिंग को बदल देना चाहिए, या अगर फ्यूल का स्प्रे या प्रेशर कम है या ज्यादा हो रहा है उस हिसाब से हमें ये सिम के द्वारा हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। सिम यानी घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। आता इंजेक्टर का टेस्ट। बेसिकली इंजेक्टर में हम तीन प्रकार के टेस्ट करते हैं। पहला होता है प्रेशर टेस्ट। प्रेशर टेस्ट में क्या होता है कि इस इंजेक्टर को हम इंजेक्टर प्रेशर मशीन में फिट करते हैं। उस मशीन में एक गेज लगा होता है, प्रेशर गेज, जो प्रेशर दिखाता है। अगर गेज में प्रेशर जो है कम है या ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये जो इंजेक्टर है इसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है। इस एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा क्या होता है कि जब हम इसको लूज करते हैं तो प्रेशर कम होता है, और जब इस स्क्रू को टाइट करते हैं तो इंजेक्टर का प्रेशर बढ़ जाता है, यानी प्रेशर बढ़ाने घटाने के लिए इस एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें लीक टेस्ट। लीक टेस्ट का मतलब जो ये नोजल है, ये नोजल जो स्प्रे करता है, ये स्प्रे जो है कतरों के रूप में नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ऑटोमाइज फॉर्म में होना चाहिए। जब हम टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं लगभग 10-15 सेकेंड तक यहां से फ्यूल की कोई बूंदे नहीं टपकनी चाहिए। अगर फ्यूल की बूंदे टपकती है, फ्यूल की बूंदे नहीं टपकनी चाहिए, अगर टपकती है तो इसका मतलब जो है इसका लीक टेस्ट जो है वो खराब है, यहां पर हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तीसरा होता है इसमें स्प्रे टेस्ट। स्प्रे टेस्ट का मतलब होता है इंजेक्टर का जो स्प्रे है वो जो हमारा वातावरण का दबाव है उसके आसपास होना चाहिए, इसमें इसका जो स्प्रे है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, एक ऑटोमाइज फॉर्म में होना चाहिए, यानी बिल्कुल कतरे में के रूप में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में कुछ आया होगा। थैंक्स।